पोती पारायो शौकत मुझे घटत मुझे बारे में चे तो मां इज्जत सो पहलो क्या भी पर इज्जत सो पहलो क्या भी है क्या भी मुझे बारे में घट अच्छो को जे हिसाब ता बिलाल भुट्टो भी आसिफ जाता के भी मां अपील कया थी मेहरबान करे इन के लाए छ मां पंज सच पहलो क्या भी पर ने बच्चन के लाए रोजी कया थी भी हिसाब ता के अपील कया थी मेहरबानी करे इन के ता लाए छ ता मुझे घर आयो लड़ी ता मां के अधिक ज्ञानी करे मके पोती पाराया मां जी भी कोरट बनया थी पैसे वैसे की जरूरत ना है पैसे को अधिक इज्जत होंगी और न्याण की इज्जत माँ के पैसे की वैसे कें शे की माँ की ना है माँ की पानी इज्जत वही माँ पानी इज्जत ले कर बस मैं तो ये सोचो मेहरबानी करें इनकी शौकत के लाए से मुझे बारे में घट बद के चाहे तो सोचे तो मुझे बारे में माँ पानी इज्जत पूरी कर हूँ पाँचों मैंने बच्चन के लिए रोजी कर दिया उठी कर माँ पानी न्याणी इज्जत पूरी क्या भी हर शे क्या भी मेहरबानी करे अपील करे मां तमा के चवंदी मीर साहब आसिफ जरदार के चवंदी बिलाल भुट्टे के चवंदी मेहरबानी करे शौकत के लाए छ मां न्याणी काडी वन्या मां न्याणी दरपदर थी हम घर को हर्षे थी हम माता सजन दी न्याणी ता सगी सिंध दी न्याणी मेहरबानी करे बिल्कुल हम लोग कल कानूनी केस दाखिल कर रहे हैं शौकत गुनियों के खिलाफ, क्योंकि उसने बद इखलाकी बातें की हैं सोशल मीडिया पे और पीपल्स पार्टी ने कोई भी मदद नहीं की। ये उनकी मजबूरी थी, इस केस में आ गए क्योंकि उनकी फर्स्ट डे से यही अमल था कि ये केस जाहिर ना हो कि इसके साथ ज्यादती हुई है। जब इस चीज़ का कोर्ट ने एक्शन लिया तो मजबूरन उन लोगों को आना पड़ गया, लेकिन अब तक केस प्रोसीडिंग चल रही है। तो पीपल्स पार्टी ने ये बताया कि हम लोग 50 लाख को इसके साथ मदद कर रहे हैं। तो आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर जो सिटी के सदर हैं शौकत गुनियो पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने बदखलाकी की है, ये लड़की दो नंबर है, कुछ और बातें हैं जो हम लोग यहाँ पे आपको बता नहीं सकते। इंशाल्लाह जो भी सबूत हैं वो हम कोर्ट में कल इंशाल्लाह जमा करवाने जा रहे हैं। हम कल केस दाखिल करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मंगवाएंगे कि बताएंगे कि उसके कैसे उसके साथ पहले यारी थी और क्या आप लोगों के पास सबूत हैं कि किसी भी औरत के ख़िलाफ़ आप लोग ऐसी नाज़ेबा बातें करें। वो भी एक सिटी का सदर, कोई और कोई वर्कर करता है भी ठीक है भाई, अगर सिटी का सदर ये बातें कर रहा है तो लाजमी ये ऊपर की बातें होंगी जो नीचे लोग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ कोर्ट में हम उनसे पूछ लेंगे और लाजमी पूछेंगे। और ये पीपल्स पार्टी वाले बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर जो वोट लेते हैं औरत के नाम पर, तो लाजमी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए बिलावल को, आसिफ जरदारी को, और उसको ख़ास करके लाड़काना डिवीज़न को चेक करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से लोग किस सौदों पे हैं और आवाम के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। जी कमेंट्स के बाद जी बिल्कुल मेरे तो इलम में नहीं था, मैं कोर्ट में बिजी था, तो उनका ही रबता वो उन लोगों ने दिखाया। तो हम भी प्रेस कल वो लड़की भी कर रही है इंशाल्लाह, और मैंने उनको कानूनन एडवाइस दी कि भाई कोई भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी भी नून लीग का हो, बेशक कोई हमारी साइड का ही हो, अपोजिशन का हो, तो लाजमी हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल दुख हुआ कि ऐसे किसी भी औरत के नाम पे ना ये गालिम गलौज नहीं, कोई मदद नहीं थी, ये डोंग ढाँचा था। तकरीबन 150 लोग एक 50 लाख रुपए का चेक लेके उसके घर पहुँचे, और उसके बाद चेक तो दिया तो ठीक है आप लोगों ने दिया, कुछ दिन नहीं गुजरे हैं चेक को और उस औरत के ऊपर एलिगेशन लग रही है, ये दो नंबर थी, तीन नंबर थी, चार नंबर थी, तो उनके घर में भी माँ हैं, बहनें हैं, तो बस ये दुख की बात है। इंशाल्लाह कल कोर्ट में हम जा रहे हैं और जो भी कोर्ट में होगा इंशाल्लाह। औजु बिल्लाह मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझा शहरवासियों, मुझा अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो, जीए भेन बेनरी, जीए बिलावल भुट्टो, जीए मीर जा खान जाखणी। दोस्तों जी त अज सुबह मुझी आईडी के हैक किया हुए, उन आईडी के हैक करे कुछ गलत कमेंट्स दिना हुआ, उनकी भरपूर मां मजम्मत किया तो दुख से चवणो पे तो एडवोकेट निसार अहमद मुगरी जकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मुझे मथा इल्ज़ाम तराशी कई, तरह तरह जा इल्ज़ाम हया, मां समझा तो कें सियासी फायदो
डेण चाहे तो अगर कुफायतो डेण चाहे तो सियासी रीति या उनकी भुल आकाण तो शाहर हसन के यह खबर आ तो पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूम के लिए जदोजहद कई आदि आपदा के लिए कमेंट्स उन रखा मुझे आईडी में फेसबुक में उनकी भरपूर मजम्मत क्या तो छोजो पीपल्स पार्टी वाहिद जमात आ जी पे ढी का वी वाक्य का वी अज तई गडा मजलूम के लिए हक के लिए आवाज उथारे औरतन के हकूक के लिए जितनी पीपल्स पार्टी जदोजहद कई आ समझा तो कोई भी अड़ी पार्टी ना जै जदोजहद कई हो असा के इन शो पूरा अहसास आदि से आपदा से जो जुल्म थो ज्याती थी उनको भरपूर असि मीर एजाज खान जखण की सूरत में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर लियाकत खान की सूरत में एमपी हाजी शेरमन मुगरी साहब की सूरत में उन जी सहकार जो आपदा लाइ आवाज उथारूँ उनके लिए जी जदोजहद कर रहा है तो मुजलिम के आखिरी तक सजा देने में उनको भरपूर किरदार है असी उन नाम निहाद जेके सियासत में फायदो वठन चाहन था तो हू अची करे का मुखालफत करन पर हे हिकड़ी गिनौना हरकत करे उन्हें साबित किया तो उन्हें एक बारणी हरकत करे फेसबुक के गलत इस्तेमाल करे पीपल्स पार्टी है मुख्य बदनाम करने की कोशिश कई आ समझा तो मैं एक शहरी आ पीपल्स पार्टी जो अहम रुकन आ कदें न चाहन्द पढ़ल लिखल आ जो अड़ो बारणो हरकत करे मां कंखे मां गलत या कंखे इल्जाम तराशी कर सका तो छोजो मुझा कायदीन मुझा अहदेदार मुझा सरबराह बिलावल भुट्टो का वी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वी अदी फराह टारपुर का वी सीएम का वी एजाज़ान जखानी का वी जो असो डिविजन प्रेसिडेंट आ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का वी हर एक असाजे वर्कर अहदेदार कि इन शो अहसास है इन मजलूम से शाना बशाना गड रहे तो मां वरी जेकर मुझी कें भी आई डी गलत इस्तेमाल कई एफ आई में वेंदुस उनके खिलाफ केस कंदुस उन्हें हथकंडन के मां जाहिर करने की भरपूर कोशिश कंदुस असो हकीकत में पीपल्स पार्टी तो यह भी कोशिश करे थी अदी से वायदो करे वही आपदा से तो उनके नौकरी दींदे उनके हकूक के लिए आखिर तक जदोजहद जारी रखासी पर अफसोस से चवण पे तो ये मुझे खिलाफ साजिश थी वही उन साजिश के इंशाला अस नाकाम बनाईदे सजे शहर के इन शो खबर आसानी पीपल्स पार्टी मजलूम से गडा अदी से गडा हुआ असानी भेण आ न्याणी आस कदें भी कें मजलूम न्याणी से का अड़ा गुत्था कमेंट्स कदें भी ना दई सकूँ जी उन मुझी आई डी का रखे यह साबित किया तो एकड़ा यतीम सियासी है जो इन हरकत से वो समझन था असा को सियासी फायद मिल कत को मिल भरपूर मजद में याद क्या तो सलाम अलैकुम जी भुट्टो।